हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण। आज मैं आपको बताने आ रहा हूँ कैसे करें मिचर ब्लश टोन से वो भी अच्छी सी हाई एंड स्किन रिटचिंग वो भी विदाउट किसी प्लगइन। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं डायरेक्टली बी करके अपने ब्रश टूल को चूज़ कर लूँगा। डायरेक्टली मैं बी क्लिक करता हूँ और बी क्लिक करते ही आपका ब्रश टूल ओपन हो जाएगा और आप डायरेक्टली यहाँ पे ब्रश टूल चूज़ भी कर सकते हैं। और राइट क्लिक करके मिक्सर ब्रश टूल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट क्लिक करके मिक्सर ब्रश टूल का ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में बता दूँगी। कभी कभी होता है कि मिक्सर ब्रश टूल से ही हम एडिटिंग कर रहे होते हैं और एडिटिंग में मतलब जो हमारा ब्रश होता है उसका फ्लो होता है वगैरह, मिक्सर्स वगैरह, लोड्स वगैरह, जो हमारे सही से सेटिंग सेट नहीं होते। तो उसके लिए बता दूँ कि आप मेरी यहाँ पे सेटिंग चेक कर लें कि मैंने क्या क्या यूज़ किया हुआ मिक्सर ब्रश टूल में। तो मैंने 10 पे रखा हुआ है वेट को और लोड को 5% पे रखा हुआ है, मिक्स को रखा है 50% पे और फ्लो को रखा हुआ है 60% पे। तो फ्रेंड्स, तो इस सेटिंग पे आप हमेशा इसको फॉलो करें, सेटिंग पे ही रखें, क्योंकि अगर आपको अच्छी सी रिटचिंग चाहिए तो यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप मॉइस्ट पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, हाई मॉइस्ट लाइट, उसके बाद और भी लाइट लोड, ड्राई लाइट लोड और वेरी वेट। तो आप ये सब ना यूज़ करें, मॉइस्ट पे क्लिक करके रखें और डायरेक्टली अपने किसी भी पर्टिकुलर इमेज को चूज़ कर लें। तो चूज़ करने के बाद मैं आपको इस पर करके दिखाता हूँ कैसे मैं इसको स्मूथ करता हूँ डिटेली। कभी भी अगर आप स्मूथिंग करें तो डायरेक्टली आप जूम करके स्मूथ करें, तो मैं आपको एक बार स्मूथ करके दिखाता हूँ। आप ब्रश को छोटा रखें और स्मूथ करना स्टार्ट कर दें। तो आप डायरेक्टली क्लिक करें और स्मूथ करना स्टार्ट करें। जितना आप जूम करके रखेंगे उतनी अच्छी डिटेली आपका जो ऑब्जेक्ट होगा और जो आपका फेस होगा वो क्लीन होएगा। तो आप ध्यान रखें कि मैं जूम करके ही मैं हमेशा करता हूँ मैं अपनी फ़ोटोज़ को क्लीन। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी जूम करके ही करें। तो फ्रेंड्स, अभी ये मेरी मतलब एक दूसरी तीसरी वीडियो है जिसमें मैं बोल कर बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी इतनी अच्छे से आदत नहीं है तो उसके लिए सॉरी, धीरे हो जाएगी, बस ऐसे ही आप मेरी वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ज़रूर करें, लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप जूम करके करेंगे उतने अच्छे से, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हार्डनेस को हमेशा कम करके रखें, तो ध्यान रखें हार्डनेस का अपने। It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. I'm
करते हैं, कैसे स्मूथ हो जाए किसी डिटेली कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मिक्सर ब्रश टूल से कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो मॉडल है, वो इतना अच्छा क्लियरली इसकी स्मूथिंग अच्छे से हो गई है और लगभग ये हो ही चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, जितना कोशिश करें अगर छोटी सी जगह है, जैसे कि अभी मैं आप पे यूज़ कर रहा हूँ ब्रश को, तो आप ब्रश को छोटा कर लें, बड़ा ब्रश अगर ब्रश को यूज़ करते हैं तो इमेज में कुछ अलग सा इफेक्ट आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो आप जूम करके ज़्यादा ब्रश को यूज़ करें तो आप देख सकते हैं कैसे पहले कैसा था और अभी कैसे है। तो इसका अगर आपको अगर कभी होता है कि हमने ज़्यादा स्मूथ कर दिया होता है, तो आप ऑक्सीडी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑक्सीडी 90 कर देता हूँ। 90 करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा फ्लो कम हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिटच करके दिखा देता हूँ आपको। कभी भी अगर आप करते हैं तो मैं रिटच करके दिखा देता हूँ कि डायरेक्टली कैमरा में ओपन हो जाए। अगर फ्रेंड्स आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो आपको आई बटन पे एक लिंक शो होगा जिस पर आप जाके अपना फोटोशॉप डाउनलोड कर सकते हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट की चार्ज के। तो क्लियरिटी को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ, क्लियरिटी और शैडोज को थोड़ा सा बढ़ाने के बाद और लाइट्स को थोड़ा सा कम करूँगा, और लाइट्स को कम करने के बाद फिर हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि लाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा दें और अमाउंट को थोड़ा सा और बढ़ा दें कर देता हूँ। लेमन इसको बढ़ा देता हूँ, ऑरेंज इसको बढ़ा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मॉन ठीक है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा रिटच हो चुका है ये, रिटच होने के बाद तो आप देख सकते हैं कैसे हमने इसे एकदम अच्छे से रिटच कर दिया है। और आपको एक और टूल बताऊंगा कि कैसे स्मच टूल से रिटच करें, उसके लिए एक प्लगइन आता है छोटा सा, तो आपको ब्रश डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे हम उस टूल से, मतलब स्मच टूल से जो यहाँ पे एक टूल शो रहा होगा स्मच टूल, तो इससे कैसे करें हम कि अपना फेस स्मूथ कैसे करें, तो मैं ये बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी, अगर वीडियोज़ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं और पास में ही आने वाले बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें, और प्लीज़ मेरा वीडियो जरूर लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।